Hello students, good morning. So today I am going to explain you chapter number 1 named The Song of Radha. It is at page number 7 and this is a poem composed by Sarojini Naidu, who is also known as the Nightingale of India. So let's start the chapter. The Song of Radha. इसमें राधा को एज अ मिल्क मेड पोइटस ने डिस्क्राइब किया है. पोइटस बताती हैं द काउ हर्डेस विशेस टू सेल मिल्क. जो काउ हर्डेस है, जो कि राधा है, वो मिल्क को सेल करना चाहती है. एंड कर्ड, और किसको? दही को. हैज़ ऑल हर थॉट्स फोकस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा. लेकिन उसके जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी उसका ध्यान है, वो किस पर केंद्रित है? सिर्फ और सिर्फ वो लॉर्ड कृष्णा पर जो है वो टिका हुआ है. पूरे तरीके से उसका ध्यान जो है फोकस है किसके ऊपर? लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, बिकॉज वो उनसे बहुत ही ज़्यादा लव करती है. दिस ब्यूटिफुल पोम वॉज रिटन बाई सरोजनी नायडू, अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो अब इस पोम में जहाँ जहाँ पर भी आई का यूज़ हुआ है, आई को रेफ़र किया गया है यहाँ पर राधा के लिए. और राधा को कैसे बताया गया है यहाँ पर? राधा को बताया गया है एज अ मिल्क मेड. इसमें कहती हैं पोइटिस कि आई कैरीड माई कर्ड टू मथुरा फेयर. अब आई कौन है? राधा. यहाँ राधा अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करें कि मैं जो हूँ कैरीड. कैरीड मीन्स होता है ले जाना. सी ए आर आर आई ई डी, कैरीड. कैरीड मीन्स ले जाना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. दैट थिंग इज कॉल्ड कैरीड. तो आई कैरीड माई कर्ड्स. कर्ड्स मीन्स होता है दही. सी यू आर डी एस, कर्ड्स. आई कैरीड माई कर्ड्स टू मथुरा फेयर. कहाँ जा रही है राधा कर्ड को लेकर? मथुरा फेयर. मथुरा की स्पेलिंग क्या है? एम ए टी एच यू आर ए, मथुरा. मथुरा फेयर मीन्स मथुरा में एक मेला लगा. फेयर मीन्स क्या होता है? मेला. मथुरा में मेला लगा है, तो मथुरा फेयर में लेकर राधा जा रही है किस चीज़ को? दही को. हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग. वो कह रही है कि लोइंग मीन्स होता है एक डीप साउंड. जब एनिमल्स चलते हैं, जब गाय चलती हैं या बफलो चलती हैं, तो उस टाइम की जो साउंड वो लोग निकालते हैं अपने मुंह से या पैरों के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं लोइंग. और हेफर्स जो होते हैं वो यंग फीमेल काउ को बोलते हैं. तो हेफर्स की स्पेलिंग क्या है? एच ई आई एफ ई आर एस, हेफर्स. हेफर्स मीन्स बछड़ा या बछिया. उसके बाद आ जाएगा लोइंग, एल ओ डब्ल्यू आई एन जी. ठीक है, लोइंग. लोइंग एक डीप साउंड मेड बाय एनिमल्स. ओके, आई तो कहती हैं आई कैरीड माय कर्ड्स टू द मथुरा फेयर. हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग. वो कहती हैं मैं अपना दही कहाँ ले जा रही हूँ? मथुरा फेयर में ले जा रही हूँ. और हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग. और जो हेफर्स हैं मीन्स जो बछड़े और बछियाँ हैं, जो यंग वंस हैं काओ के, वो क्या करें? वो लोइंग, वो साउंड निकालते हुए चल रहे हैं. आई वॉन्टेड टू क्राई, मैं जो थी बस. वॉन्टेड मीन्स क्या होता है? चाहती थी. वॉन्टेड टू क्राई, बस मैं चिल्लाने ही जा रही थी. मीन्स आवाज़ लगाने ही जा रही थी. हु विल बाय, कौन खरीदेगा? किस चीज़ की आवाज़ लगाने जा रही है? क्या चीज़ वो बेचने जा रही थी? वो बेचने जा रही थी दही को. तो हु विल बाय, कि कौन खरीदेगा दीज कर्ड्स, इस दही को, दैट आर वाइट एज द क्लाउड्स, जो कि वाइट है किसकी तरह? क्लाउड्स की तरह. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेयर यूज किया गया है, दीज कर्ड्स दैट आर वाइट वाइट एज द क्लाउड्स, सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा ने अपने जो दही वो मथुरा फेयर में लेकर जा रही है, उसका कंपैरिजन किससे किया है? उसने कंपैरिजन किया है उसका क्लाउड से. वाइट उसने बताया है कि वो कितना वाइट है दही. दही इतना वाइट है जितने की क्लाउड्स हैं. और यहाँ पर एज यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये है हमारी सिमली. ठीक है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सिमली. जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है और वहाँ पर कोई कंपैरिजन वर्ड यूज होता है, जैसे एज, सच एज, लाइक, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है कौन सी? सिमली. कहती है आई
अंडरस्टूड इतना कि आई कैरीड माई कर्स टू मथुरा फेयर। राधा कहती है कि मैं अपना कर्ड, मैं दही को कहाँ लेकर जा रही हूँ, मथुरा फेयर में लेकर जा रही हूँ। हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर ब्लोइंग, कि जो हेफर्स हैं, जो यंग वंस हैं काउ के, वो कैसे बहुत डीप साउंड निकालते हुए कितने सॉफ्टली सॉफ्टली चल रहे हैं, ये फर्स्ट इमेज बताई है उन्होंने। आई वॉन्टेड टू क्राई, वो कहती है मैं बस आवाज़ लगाने ही वाली थी। दैट हु विल बाय, कौन परचेज करेगा दीज कर्ड्स, इस दही को, दैट आर वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई, जो कि कितना वाइट है जितना कि आसमान में क्या है, क्लाउड्स हैं। When the breezes of Shravan, Shravan क्या होता है, Shravan जो होता है वो फिफ्थ मंथ होता है हिंदी कैलेंडर का, जिसको हम सावन भी बोलते हैं। श्रवण तो फिफ्थ मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर। व्हेन द ब्रीजेस ऑफ श्रवण, जब मतलब श्रवण के महीने की जब ब्रीज, क्या होता है ब्रीजेस, मींस होता है हवा, बी आर डबल ई जेड ई एस, ब्रीजेस ऑफ श्रवण ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स हवा का चलना। When the breezes of Shravan are blowing, जब ब्रीज हवा चलती है किसकी, श्रवण, जो कि फिफ्थ मंथ है किसका, हिंदी कैलेंडर का, ब्लोइंग माई, बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी। यहाँ पर योर का यूज, यहाँ पर आई का यूज जो है वो राधा के लिए यूज हुआ है, आई को राधा के लिए रेफर किया गया है, और यहाँ पर यू या योर का जितना भी यूज हुआ है वो सब यूज हुआ है लॉर्ड कृष्णा के लिए। ओके, व्हेन द ब्रीजेस ऑफ श्रवण आर ब्लोइंग, जब श्रवण के महीने की जो ब्रीजेस है, हवा जो है वो ब्लो होती है, बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी, लेकिन मेरा हार्ट कैसे भरा हुआ, लेकिन मेरा हार्ट जो है आपकी ब्यूटी से, आपकी जो सुंदरता है उस चीज से मेरा मन भरा हुआ है। बीलवेड, यहाँ पर बीलवेड किसको यूज किया है, यहाँ पर बीलवेड वर्ड का यूज राधा ने लॉर्ड कृष्णा के लिए किया है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है और उनके प्यार में वो इतना ही खोए रहती है कि वो एकदम से बैठे बैठे जाप करने लगती है। देखिएगा, बीलवेड दे लव्ड, और वो दे यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उसके, उनके लिए दे का यूज किया गया, दे लव्ड एज आई क्राइड, और जो आसपास के लोग हैं वो जो है हंसना स्टार्ट कर देते हैं जब मैं क्राइड, मीन्स जब मैं बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने हुए, नोइंग मीन्स होता है जानना, KNOWING, knowing means होता है जानना, और without knowing means क्या होता है, बिना जाने, जब मैं क्या बोलना शुरू कर देती हूँ, बिना जाने मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, गोविंदा 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 गोविंदा। ठीक है, ये थी फर्स्ट इमेज आपकी। फर्स्ट इमेज क्या थी, ये मथुरा जा रही है, फर्स्ट इमेज क्या इनकी, ये मथुरा जा रही है। सेकेंड इमेज आती है, हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग, फ्लोइंग मीन्स होता है रिवर का बहना, ठीक है, और ब्लोइंग मीन्स होता है हवा का बहना, डिफरेंस है दोनों में। तो हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग, वो कहते हैं कि कितने सॉफ्टली जो रिवर है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, बह रही है। आई कैरीड माई पॉट्स टू मथुरा टाइड, मैं जो पॉट है मेरा, किस चीज का पॉट था इनका, इनका पॉट था कर्ड का, दही का, ये अपना कर्ड ले जा रही थी कहाँ, मथुरा में। तो कहती हैं कि आई कैरीड माई पॉट्स टू मथुरा टाइड, मैं अपने पॉट्स को कहाँ लेकर जा रही हूँ, मथुरा टाइड में लेकर जा रही हूँ। हाउ गेली द रोअर्स वर रोइंग, जो रोअर्स हैं, रोअर्स कौन होते हैं, रोअर्स होते हैं नाविक जो नाव चलाते हैं, और गेली मीन्स होता है खुशी खुशी, गेली मीन्स क्या होता है, खुशी खुशी, जी ए आई एल वाई गेली, मतलब प्रसन्नता पूर्वक भी हम इसको बोल सकते हैं, हैप्पीली भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नाविक थे वो नाव कैसे चला रहे थे, वो नाव चला रहे थे बहुत खुशी खुशी। और ये जितने भी मैं आपके वर्ड्स लिख रही हूं, इनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ओके क्लास, जी ए आई एल वाई गेली, गेली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक या हैप्पीली, खुशी खुशी। हाउ गेली द रोअर्स, रोअर्स आर ओ डब्ल्यू ई आर एस, आर ओ डब्ल्यू ERS, rowers, rowers means नाविक जो नाव चलाते हैं,
और रोइंग मीन्स नाव को चलाना, ROWING। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा एज अ डिफिकल्ट वर्ड। ओके, डिफिकल्ट वर्ड। चैप्टर मेंशन कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 द सॉन्ग ऑफ राधा। ओके, ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग। रोअर्स, रोइंग। हाउ गेली द रोअर्स वर रोइंग, रोअर्स क्या कर रहे थे, नाव चला रहे थे, रोइंग कर रहे थे नाव को, वो कितनी खुशी खुशी कर रहे थे। माई कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स होते हैं कंपेनियन, जो साथ की सखी सहेलियां थी, किसकी, राधा की। वो बुलाती हैं किसको, राधा को, कि हो लेट्स डांस, आओ चलो डांस करते हैं, लेट्स सिंग, चलो सिंगिंग करते हैं। एंड वी आर सैफरन गारमेंट्स, और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, सैफरन कलर के, सैफरन मीन्स केसरिया कलर के, जो हमारा ट्राई कलर जो हमारा होता है उसमें ऊपर केसरिया रंग दे रखा होता है, उसको हम बोलते हैं। तो वो कहती हैं चलो सैफरन गारमेंट्स पहनते हैं और वेलकम करते हैं किस चीज़ का, स्प्रिंग का, स्प्रिंग सीजन का, बसंत ऋतु का हम वेलकम करते हैं। तो वो कहते हैं कि माई कॉमरेड्स, COMRADES, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियन होता है, सैफरन SAFFRON, सैफरन, सैफरन मीन्स केसरिया कलर, गारमेंट्स, गारमेंट्स मीन्स तो पता ही होगा आपको, कपड़ों को बोलते हैं गारमेंट्स, टू वेलकम द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। वो कहते हैं हाउ गेली द रोअर्स वर रोइंग, के जो नाविक थे वो कितने खुशी खुशी नाव को चला रहे थे। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, मेरी जो कंपेनियंस थी उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, आओ लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं, लेट्स सिंग, चलो सिंग करते हैं। एंड वी आर सैफरन गारमेंट्स, और कौन से गारमेंट्स पहनते हैं, किस कलर के गारमेंट्स पहनते हैं, सैफरन कलर के गारमेंट्स पहनते हैं, टू वेलकम द स्प्रिंग, किस चीज़ का वेलकम करने के लिए, स्प्रिंग का। देखा होगा आप लोगों ने जब वसंत ऋतु आती है और हम वेलकम करने के लिए उसको सब लोग सैफरन कलर के या येलो कलर के क्लोथ्स पहनते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बट क्या होता है, राधा का ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं होता है, राधा अपनी दुनिया में खोई होती है और सोचती होती है राधा किसके बारे में, किसके बारे में सोचती होती है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में, ठीक है। एंड और उसकी फ्रेंड्स और भी बातें कहती हैं कि एंड प्लक द न्यू बड्स, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, बड्स मीन्स कलियों को, एंड प्लक द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स जो कि खिल रही हैं। वहाँ पर देखिए ब्लोइंग था, BLOWING, ब्लोइंग मीन्स उसका हवा का चलना था, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स जो ब्लो कर रही हैं वो बर्ड्स के खिलने के लिए, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, कलियों के खिलने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, वो कहती हैं लेकिन मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है लॉर्ड कृष्णा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके म्यूजिक से, आपके संगीत से और आपके प्रेम से भरा हुआ है My beloved। फिर वो कहती हैं दे mocked, mocked means होता है मजाक बनाना, कौन मजाक बनाता है उनकी, MOCKED, mocked, mocked means होता है मजाक बनाना, कौन बना रहा है मजाक, राधा की, यहाँ पर राधा की फ्रेंड्स, राधा का जो कि राधा के कंपेनियंस थी, कमरेड्स थी, वो राधा का मजाक बना रही हैं। And pluck the new birds that are blowing, but my heart was so full of your music, beloved, they mocked। वो मजाक बनाती है, when I cried without knowing, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ बिना जाने, किस चीज़ को बोलना शुरू करती है ये, गोविंदा 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 गोविंदा, understood class? तो यहाँ पर ये इनका second scene हो गया, second image हो गई। अब आते हैं हम third image के ऊपर, और last में एक line और बोलती है, how gaily the river was flowing, जो रिवर थी वो कितनी खुशी खुशी, मतलब कितनी अच्छे तरीके से वो बह रही थी। अब थर्ड सीन पर आते हैं हम, इसमें कहती हैं आई कैरीड माई गिफ्ट्स, अब गिफ्ट क्या था राधा का, राधा का गिफ्ट था कर्ड, दही, जो कि वो ले जा रही थी, वो कहाँ ले जा रही थी, मथुरा में, वो बेचने के लिए ले जा रही थी, लेकिन अब वो चढ़ाने के लिए ले जा रही है,
कहाँ पर? मंदिर में। I carried my gifts to the Mathura shrine. Shrine means क्या होता है? Shrine means क्या होता है? S-H-R-I-N-E, shrine. Shrine means क्या होता है? मंदिर। क्या होता है? Shrine means मंदिर। I carried my gifts to the Mathura shrine. How brightly the torches were glowing. वो कहती हैं कि brightly, brightly means कितनी, मतलब कितनी चमक के साथ टॉर्चेस जो थी वो ग्लो कर रही थी, चमक रही थी। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द अल्टर्स, ए एल टी ए आर एस, ए एल टी ए आर एस, अल्टर्स होते हैं मूर्ति जो देवी देवताओं की होती है, ठीक है। वो अपने हैंड्स को फोल्ड करती है बिफोर द गॉड्स, ठीक है, टू प्रे, प्रे करने के लिए। ओ शाइनिंग वंस, शाइनिंग वंस यहाँ पर यूज़ किया है उसने देवी देवताओं के लिए। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय डे एंड नाइट, वो कहती है कि ओ शाइनिंग वंस, देवी देवता है, देवी देवता जितने भी है, देवी देवता, हे देवी देवताओं, गार्ड अस, हमें क्या करो, गार्ड करो, हमारी रक्षा करो, बाय डे एंड नाइट, बाई नाइट एंड डे, दिन और रात हमारी रक्षा करो। एंड लाउडली द कॉन्क शेल, कॉन्क शेल क्या होता है? सी ओ एन सी एच कॉन्क शेल्स, एस एच ई एल एल एस शेल्स, कॉन्क शेल्स, कॉन्क शेल्स क्या होता है? मंदिर जाते हैं, शंख देखा है, शंख को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्क शेल, ठीक है। तो एंड लाउडली द कॉन्क शेल्स वर ब्लोइंग, और जो कॉन्क शेल्स थे वो कैसे ब्लो, बहुत लाउडली, बहुत अच्छे से वो बोल रहे थे। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट, लेकिन मेरा हार्ट कैसा था, लेकिन मेरा दिल कैसा था, मेरा दिल जो था वो खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ था? विचारों में। किसके विचारों में? लॉर्ड कृष्णा के विचारों में, ठीक है। माई, आई, मी, जितने भी वर्ड्स ये फर्स्ट पर्सन वाले यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं राधा के लिए, बिकॉज राधा इज डिस्क्राइबिंग, और जो पोएटेस हैं हमारी सरोजनी नायडू वो राधा की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रही हैं। तो वो बोलती हैं कि कहाँ गया, बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट, लेकिन मेरा दिल जो था बिल्कुल खोया हुआ था, इन योर वर्शिप, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, बीलवेड, दे वर रॉथ, रॉथ डब्ल्यू आर ओ, डब्ल्यू आर ओ टी एच, रॉथ, लेकिन दे कौन थे? दे वहां पर पुजारी थे और जो वहां आसपास लोग थे, दे वर रॉथ, वो कौन हो गए? एंग्री हो गए। क्यों हो गए एंग्री पुजारी? जैसे ही, वैन आई क्राइड विदाउट नोइंग, जब मैंने बोलना शुरू कर दिया बिना कुछ जाने, क्या? गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ ब्राइटली द रिवर वॉज फ्लोइंग, और लास्ट में क्या बोलती हैं राधा, के जो रिवर थी वो बहुत अच्छे से क्या कर रही थी? फ्लो कर रही थी। तो क्लास समझ में आ गया? एक बार मैं आपको और हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राधा जो है, राधा इज गोइंग टू द मथुरा फेयर, एंड ऑन द वे शी मेट विद हेफर्स, एंड शी वॉन्ट्स टू क्राई आफ्टर इट, दैट कि कौन इस दही को परचेस करेगा, जो दही कैसा है, कितना वाइट है, एज वाइट एज द क्लाउड, और जो थी वो बोलती हैं कि जब ब्रीज चल रही थी श्रवण मंथ की, तो उनका हार्ट जो था फुल था, बिल्कुल भरा हुआ था, किस चीज़ से? ब्यूटी से। किसकी ब्यूटी से? उनके बिलवेड लॉर्ड कृष्णा की ब्यूटी से। तो कहते हैं दे लव्ड, वो हंसने लगती हैं, आसपास के लोग हंसने लगते हैं जब राधा बोलना स्टार्ट करती है गोविंदा 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 गोविंदा। कहती है मैं मथुरा अपना कर्ण ले जा रही थी, रास्ते मुझे हेफर्स मिलते हैं, मैं उनको देखकर इतनी खो जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखता, और मैं उनको देखकर इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं चिल्लाने ही वाली होती हूँ, बोलने ही वाली होती हूँ, आवाज़ लगाने ही वाली होती हूँ, कौन इस दही को परचेस करेगा, लेकिन उनको देखकर मैं अपने आप को खामोश कर लेती हूँ। और लेकिन तभी एक हवा चलती है सावन महीने की, ठंडी ठंडी, फिर क्या होता, उस हवा के चलते चलते मैं जो हूँ, मेरा दिल भर आता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, किसकी ब्यूटी से? लॉर्ड कृष्णा की ब्यूटी से। और तभी मैं जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ गोविंदा 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 गोविंदा, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मेरे ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कहती हैं मैं अपने
दही को मैं अपने पॉट्स को कहाँ लेकर जा रही थी, मथुरा टाइड, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर जो रोअर्स थे वो रोइंग कर रहे थे, वो बहुत खुशी खुशी नाव को चला रहे थे, और मेरी जितनी भी साथ में मेरी कंपेनियंस थी, कॉमरेड्स थी, वो मुझसे बोल रही थी लेट्स डांस और डांस करते हैं, लेट्स सिंग और सिंग करते हैं। तो और कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, सैफरन कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, किस लिए, वेलकम करने के लिए, किसका, स्प्रिंग सीजन का। तो एंड प्लक न्यू बर्ड्स, और क्या करते हैं हम, न्यू बर्ड्स को तोड़ते हैं, नई कलियों को तोड़ते हैं, ठीक है, जो कि ब्लो कर रही हैं, जो कि खिल रही हैं, आओ उनको तोड़ते हैं। लेकिन मैं जो थी, लेकिन मेरा दिल तो, मैं तो खोई हुई थी, लॉस्ट थी इमेजिनेशन में अपने गोविंदा के, इसलिए जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ गोविंदा 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 गोविंदा, तो मेरे जितने भी आसपास की फ्रेंड्स थी, मेरी कॉमरेड्स थी, वो सब क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, वो सब हंसना मेरे ऊपर स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर क्या होता है, अब ये सेकेंड सीन हो गया, अब थर्ड सीन में क्या होता है, ये जो होती हैं कैरीड, आई कैरीड माई गिफ्ट, ये अपनी मथुरा श्राइन में अब पहुँच जाती हैं अपने दही को लेकर, और फिर वहाँ पर ये देखती हैं कि जो मशाले थी वो बहुत अच्छे से जल रही थी, ये अपने हैंड्स को फोल्ड करती हैं देवी देवताओं के आगे और बोलती हैं कि कहाँ गया, हाँ ओ शाइनिंग, और फिर ये उनसे बोलती हैं फोल्ड कर अपने हैंड्स को कि मुझे और हमें सबको दिन और रात हमारी रक्षा करना, हमें गार्ड करना, और जो है तभी वहाँ पर लाउडली, बहुत लाउडली जो था शंख बजना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनका दिल तो खोया हुआ था बिलविड में इनके, जो कि लॉर्ड कृष्णा है थे। तो जैसे ही ये बोलना शुरू करते हैं वहाँ के सब लोग गुस्सा कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता कोई और थे उस टाइम जिनकी मूर्ति लगी हुई थी। लेकिन ये बोलना, ये जपना किसका नाम स्टार्ट करती हैं, गोविंदा का, मतलब लॉर्ड कृष्णा का। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ ने जो पुजारी थे वहाँ के उनको क्या कर दिया, एंग्री, उन्हें गुस्सा दिला दिया, वो गुस्से में आ गए। हाँ, तो मैंने आपको ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स कराए हैं, गोविंदा और लिख देती हूँ, GOVINDA गोविंदा, इनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में नंबर्स डालकर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कैरीड, CARRIED, कैरीड। कैरीड मीन्स क्या होता है, कैरीड मीन्स होता है किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाना। सेकेंड स्कर्ट, CURDS, स्कर्ट, स्कर्ट मीन्स दही, और मथुरा, MATHURA, मथुरा, मथुरा तो जानते ही एक जगह का नाम है। हेफर्स, HEIFERS, हेफर्स, यंग वंस ऑफ काउज, लविंग, LOVING, लविंग मीन्स प्यारा, सॉरी ये लोइंग है, LOWING, लोइंग, लोइंग मीन्स, सही से लिख देती हूँ, LOWING, लोइंग, लोइंग मीन्स क्या होता है, साउंड होती है, एक डीप साउंड जो कि चलते टाइम एनिमल्स करते हैं। तो फिर श्रवण, SHRAWN, श्रवण, ये फिफ्थ मंथ होता है हमारे हिंदी कैलेंडर का। ब्रीजेस, BREEZES, ब्रीजेस, ब्रीजेस मीन्स होती है हवा। ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग मीन्स हवा का बहना। बिलविड, BELOVED, बिलविड, बिलविड मीन्स होता है हमारे प्यारे जो भी हूँ। और नोइंग, KNOWING, नोइंग मीन्स जानते हुए। और गेली, GAILY, गेली मीन्स खुशी खुशी। रोअर्स, ROWERS, रोअर्स, रोअर्स कौन थे, नाविक थे। ROWING, रोइंग, रोइंग मीन्स क्या था, रोइंग मीन्स थे नाविक। फिर आते हम कमरेड्स के ऊपर, CYMRADS, कमरेड्स मीन्स कंपेनियन। सैफरन, SAFFRON, सैफरन मीन्स केसरिया रंग। गारमेंट्स, GARMENTS, गारमेंट्स, गारमेंट्स मीन्स क्या होता है, गारमेंट्स मीन्स होते हैं, गारमेंट्स मीन्स होते हैं क्लोथ्स। और मॉक्ड, MOCKED, मॉक्ड, मॉक्ड मीन्स मजाक बनाना। SHRINE, श्राइन, श्राइन मीन्स मूर्ति, श्राइन मीन्स मंदिर। ALTERS, अल्टर्स, अल्टर्स मीन्स मूर्ति। कॉन्ग शेल, CONCH, कॉन्ग, SHELLS, शेल्स, कॉन्ग शेल्स मीन्स शंख। रॉथ, WROTH, रॉथ मीन्स गुस्सा होना। गोविंदा, GOVINDA, गोविंदा, गोविंदा मीन्स लॉर्ड कृष्णा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अपनी नोटबुक में, ओके क्लास। इसके MCQs को और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाइट एज द क्लाउड। अभी मैंने आपको बताया था कि एज व्हाइट एज द क्लाउड
क्लाउड्स को वाइट बताया गया है, क्लाउड्स की तरह व्हाइट बताया गया है किस चीज को, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाइट एज क्लाउड, किस चीज को डिस्क्राइब किया गया है जो कि क्लाउड्स की तरह व्हाइट है, राधाज स्किन, राधा की स्किन को, जैस्मिन फ्लावर को, या फिर कर्ड को, कर्ड को डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑप्शन सी आएगा कर्ड। श्रवण इज द डैश मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर, मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, 3-4 बार मैंने रिपीट भी करा था कि श्रवण जो है वो कौन सा मंथ है हिंदी कैलेंडर का, 5th, 10th या फिर 12th मंथ, 5th। नेक्स्ट, हाउ वॉज वॉट वॉज ब्लोइंग लाउडली, क्या चीज लाउडली ब्लो कर रही थी, देखिए इसी पेज पर दे रखा है आपका, क्या चीज ब्लो कर रही थी लाउडली, विंड, कॉन्क्शेल या फिर ट्रम्पेट, हमारी कॉन्क्शेल, कॉन्क्शेल मीन्स शंख। व्हेन राधा कॉल्ड आउट गोविंदाज नेम, हर कंपेनियंस, उसके कंपेनियंस क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं, फ्रोंड मीन्स मतलब नाक भौवें चढ़ाने को बोलते हैं फ्रोंड, तो आंखें ऐसे बना लेते हैं, या फिर मॉक्ड मीन्स मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, मॉक्ड करने लगते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पर मॉक्ड का मीनिंग बताया भी था, MOCKED मॉक्ड। अकॉर्डिंग टू द पोम, व्हाट कलर ऑफ द क्लोथ इज वॉर्न इन स्प्रिंग, ऑप्शन देने की आई थिंक जरूरत नहीं है, पता चल गया होगा आपको कि पोम में कौन सा कलर का क्लोथ वॉर्न करने के लिए बताया गया है, वहां पर सैफरन बोला गया है, बट आपका यहाँ ऑप्शन में येल्लो रेड ग्रीन दे रखा है, तो आप येल्लो को ही टिक करेंगे, रेड और ग्रीन क्लोथ्स हम नहीं पहनते हैं स्प्रिंग सीजन में के टाइम, स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए हम येल्लो या फिर सैफरन क्लोथ्स पहनते हैं, तो यहाँ पर येल्लो ऑप्शन दे रखा है, देन वील टिक द ऑप्शन नंबर ए येल्लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट, गोविंदा इज अनदर नेम फॉर, गोविंदा किसका नेम है, किंग का नेम है, एन एक्टर्स नेम, और लॉर्ड कृष्णा, इट इज़ द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आई थिंक आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता देती हूँ, फर्स्ट MCQ का जो ऑप्शन थर्ड है कर्ड, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्लाउड, ऑप्शन सी कर्ड, श्रवण इज द डैश मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर, कौन सा मंथ है, 5th, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वॉज ब्लोइंग लाउडली, क्या चीज ब्लो कर रही थी लाउडली, ऑप्शन नंबर बी कॉन्क्शेल। व्हेन राधा कॉल्ड आउट गोविंदाज नेम हर कंपेनियंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा मॉग्ड, 5th। अकॉर्डिंग टू द पोम, व्हाट कलर ऑफ द क्लोथ इज वॉर्न इन द स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर ए येल्लो, एंड गोविंदा इज अनदर नेम फॉर, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कृष्णा। ओके क्लास, थैंक यू।